आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोदी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार ने दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी घोषणा कर दी है दोस्तों। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी घोषणा कर दी है दोस्तों। आधार कार्ड मात्र पर यहाँ पे सीधे 4 लाख रुपये आप ले सकते हो। और किस तरह से लोगे, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ पर आपको आवेदन करना है, क्या फॉर्म भरना है दोस्तों, कम्प्लीट जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। देन उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसानों का जो कर्जा माफ किया जा रहा है दोस्तों। यदि आपका कर्जा माफ अभी तक नहीं हुआ है हमारे किसान भाइयों को, यह वीडियो कंप्लीट देखिए और जो प्रोसेस हम बताएंगे उसको करिए, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। देन उसके बाद में दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे एक परिवार एक नौकरी योजना, स्कूटी योजना, बेरोजगारी भत्ता। देन दोस्तों तब यहाँ पे चलिए एक एक करके हम जानकारी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे आधार कार्ड पर जो 4 लाख रुपये मिल रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, इस आधार कार्ड पर, ओनली आधार कार्ड पर दोस्तों आप 4 लाख रुपये ले सकते हैं। देखिए किस तरह से आप आवेदन करोगे, कहां पे करोगे, उस बात की यहां चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पर सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आधार कार्ड यदि आपके पास है तो आप ले सकते हो 4 लाख रुपये। उसके बाद यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आप वोटर कार्ड भी लगा सकते हो, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक आय प्रमाण पत्र नाम का डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको चाहिएगा। इतने डॉक्यूमेंट के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और लगा देना है फाइल में। अब दोस्तों इन 4 लाख रुपए से आप जो भी काम धंधा अपना स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसका क्या प्रोसीजर है, मतलब कैसे आप कहाँ से मशीनरी लोगे, क्या काम स्टार्ट करोगे दोस्तों, ये सारी जानकारी एक फाइल में आपको क्रिएट कर लेनी है। देन उसके बाद में दोस्तों जाना है आपको अपने किसी सरकारी बैंक में, जिस बैंक में भी आपका खाता हो या नहीं भी हो, जो भी आपके पास में दोस्तों सरकारी बैंक हो। जी हाँ, सिर्फ सरकारी बैंक में जाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ प्राइवेट बैंक्स में आपको नहीं मिलेगी। प्राइवेट बैंक में काफ़ी योजना चल रही है, लेकिन वो 10,000, 20,000, 50,000 तक ही लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकारी बैंक में जाके दोस्तों प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत, जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने खुद यहाँ पर अपना क्रेडिट योजना नाम से एक योजना लॉन्च किया दोस्तों। तो प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना में आप जाके वहाँ पे अपना आवेदन करिए सरकारी बैंक में जाके। वहाँ से दोस्तों आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरिए और वहाँ पे जाके अपने बैंक के मैनेजर से बात करिए, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना में सीधे दोस्तों 4 लाख रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ पे आपको गौर देना है कि आपका जो वहाँ पे बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से अटैच होना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पर एक हफ्ते के बाद आपको यहाँ पे सीधे आपके बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपये मिल जाएंगे, यदि आप आवेदन इसी तरह से करते हो तो। अब देखिए जो भी यहाँ पे जो भी इस योजना में इंटरेस्टेड है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि योजना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बात करेंगे यहाँ पे अगली योजना की। तो दोस्तों अगली योजना, जैसा किसान भाइयों का कर्जा माफ किया जा रहा है, किसान भाइयों का कर्जा माफ हो रहा है, तो देखिए जिन किसानों का अभी यहाँ पे कर्जा माफ नहीं हुआ है उनको क्या प्रोसेस करने की जरूरत है, कैसे आप अपना कर्जा माफ करा सकते हो, उस चीज में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए किसानों को जो कर्जा माफ कराना है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी खतौनी, यानी आपके पास कितनी जमीन है, ये सारी चीज आपकी खतौनी में लिखी होती है। आपके पास कितना कर्जा है, ये चीजें भी दोस्तों खतौनी में लिखी होती हैं। तो यदि आपके पास खतौनी है आपके खेत की और आपने कोई भी KCC लोन ले रखा है या भूमि विकास से ले रखा है या कोई भी अदर बैंक से ले रखा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपना लोन बड़ी आसानी से माफ करवा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजना को लॉन्च किया है। तो यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे लोन है तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी खतौनी लेने के बाद आप जो अपना आधार कार्ड लोगे, आधार कार्ड के साथ में यदि आपका पहचान पत्र है तो वो भी लोगे। बस दोस्तों यही डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर यानी CSC सेंटर पर, और वहाँ पे जाके दोस्तों आपको आवेदन कर देना है, जिससे कि आपको इस योजना में लाभ मिले सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं देना है, कुछ भी यहाँ पे पैसे नहीं देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आवेदन करने के लिए 150-200 रुपये देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल आवेदन यहाँ फ्री है, तो आप आवेदन जरूर करिएगा। उसके साथ ही जो भी किसान भाई अपना कर्जा माफ कराना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें जरूर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप योजना पसंद है और आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए बात दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे कि जो आपको स्कूटी मिल रही है, मतलब आपकी लड़कियों को, आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियों को दोस्तों, आपकी बहनों को जो फ्री स्कूटी मिल रही है, तो आप कैसे उनको फ्री स्कूटी दिलवाओगे, तो वो प्रोसेस हम आपको यहाँ पे
बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्कूटी लेने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की दूरी आपके घर से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए। यदि 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो आप जरूर इस योजना में आवेदन करिएगा, क्योंकि काफ़ी केसेस में देखने को मिला है कि घर और दोस्तों कॉलेज यूनिवर्सिटी की दूरी कम होने पर भी यहाँ पर स्कूटी मिल जा रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कैसे स्कूटी ले सकते हो, चलिए उस प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रही हो, जैसे मान लीजिए 10वीं 12वीं 8वीं जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रही हो दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको करा लेनी है। उसके बाद में देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, जिस भी आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जहाँ भी पढ़ रहे हो, और या आप कहीं भी जॉब कर रहे हो किसी ऑफिस में कहीं पर भी, तो उसका जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको अपना आधार कार्ड और यहाँ पे लगा देना है। यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो वो भी यहाँ सबमिट कर देना है, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी जनसेवा केंद्र पर जाना है। यदि आपके शहर में जनसेवा केंद्र नहीं है तो आप यहाँ पे सामुदायिक विकास केंद्र होता है दोस्तों, हर ज़िले में ये सामुदायिक विकास केंद्र मिलेगा, हर शहर में मिलेगा। तो आप वहाँ पे सामुदायिक विकास केंद्र में जाके आपको यहाँ पे स्कूटी योजना का एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरिए दोस्तों और यहाँ पे आवेदन करिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको जल्द से जल्द यहाँ पे स्कूटी मिल जाए। आप देखिए, काफ़ी लोगों को यहाँ पे स्कूटी मिल भी चुकी है। यदि आपको नहीं मिली है तो आप यहाँ पे सिंपली ज़रूर आवेदन करिए, कुछ साधारण आवेदन है, कुछ इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, बस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज वगैरह करानी है। अब देखिए, वहाँ पर जिनको भी यहाँ स्कूटी योजना में लाभ चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल, कॉलेज का नाम या अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको यहाँ पे लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमको ये पता पड़ता है कि हाँ, चीज़ें पसंद आ रही हैं पब्लिक को, ठीक है। योजनाओं में आपको इंटरेस्ट है, फ़ायदा लेना है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए बात करेंगे अगली योजना की दोस्तों, जो एक परिवार में एक नौकरी योजना। जी हाँ, यह योजना सिक्किम से स्टार्ट हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्द इस योजना को दोस्तों पूरे देश में लागू करने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है, एक परिवार एक नौकरी योजना से क्या देश में प्रोग्रेस होगी? होगी दोस्तों, 100% कन्फर्म होगी। अब देखिए, यहाँ पर एक परिवार एक नौकरी योजना दोस्तों जैसा कि लॉन्च कर दी गई है, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जब एक परिवार में एक नौकरी मिल जाएगी तो यहाँ पर देखिए देश जो है गरीबी के माहौल से बाहर निकल आएगा और विकसित होने लगेगा देश। तो यदि आपको एक परिवार एक नौकरी योजना में लाभ चाहिए, आवेदन करना चाहते हो, तो उसकी प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं दोस्तों, जरा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है, जिससे क्योंकि ये दोस्तों सबसे बड़ी योजना यदि कोई है तो एक परिवार एक नौकरी योजना है, क्योंकि लाइफ टाइम योजना आपको फायदा पहुंचाएगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी नाम है वह नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दोस्तों आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है वह चीज़ भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमको पता पड़ सके कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। क्योंकि दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना में देखिए, यहाँ पे आपकी योग्यता के अनुसार ही आपको जॉब मिलेगी। मान लीजिए आपने 8वीं कर रखी है तो आपको डी ग्रेड की नौकरी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन 10वीं 12वीं या आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है दोस्तों, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आपको अधिकारी रैंक की नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस है आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरी है इसमें कंडीशन, आपके परिवार में यानी आपकी फैमिली में एक भी आदमी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, यदि आप एक परिवार एक नौकरी योजना में लाभ लेना चाहते हैं। अब देखिए, आपके परिवार में दोस्तों वही आदमी यहाँ पे काउंट होते हैं जितने नाम आपके यहाँ पे राशन कार्ड में होते हैं। मान लीजिए राशन कार्ड में आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं और उनमें से किसी की नौकरी नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। भले ही आपके भाई की जॉब लग रही है, लेकिन आपका राशन कार्ड अलग बना हुआ है, तो आप यहाँ पे एक परिवार एक नौकरी योजना में लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल है, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद, ठीक है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और दोस्तों आपने इतनी भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, इन सभी की फोटोकॉपी कराने के बाद आपको जाना है अपने सामुदायिक विकास केंद्र में दोस्तों, या नज़दीकी CSC सेंटर से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन फ्री में करा देना है, इसका कोई चार्ज नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो भी हम बात बता रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, इनका आवेदन करना बिल्कुल भी फ्री होता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आवेदन करिए, आवेदन करने में कुछ भी नहीं जा रहा है और जॉब मिल जाएगी दोस्तों, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब देखिए, जिनको भी यहाँ पे जॉब चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी पढ़ाई लिखाई हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमको पता पड़ सके कि हाँ, आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी योजनाएँ चल रही हैं, जो भी योजनाएँ निकल के आती हैं सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इनसे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई अपडेट के साथ में दोस्तों, किसी
किसी नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।